हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपनी रेसिपीज के कार्यों को चालू रखें, फिर बनाएं कुछ नया सा, इंस्टेंट सा, झटपट सा। आज बनाते हैं हम रवा उत्तपम, जो बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। चलो फिर शुरू करें। उसके लिए हमें चाहिए सूजी, दही, प्याज, टमाटर, गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया था, आप बारीक काट सकते हैं, शिमला मिर्च इतनी सी ही थी मेरे पास, धनिया चाहिए, आप जो मर्जी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, पनीर को ग्रेट करके डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं, ठीक है। जितनी, और ये एक्चुअली इतना टेस्टी बनता है ना कि बच्चे इसको खा भी लेते हैं, तो जितनी मर्जी सब्जियाँ डालिए इसमें। सूजी लेके एक पैन में, उसमें सबसे पहले एक कटोरी दही डालिए, उसको मिक्स करने के बाद में पानी डाल दीजिए उसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। रूम टेम्परेचर में होना चाहिए पानी, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, रूम टेम्परेचर में पानी लीजिएगा। अच्छी तरह पानी डालिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि रवा सोक करते हैं पानी ज़्यादा, तो जब रवा फूलेगा यानी सूजी जब फूलेगी तो इसको पानी चाहिए होगा, ये हार्ड हो जाता है तब, तो आप पानी अच्छी तरह से डालिए। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बिल्कुल इस तरह से। ये कंसिस्टेंसी तक लाने के बाद में आप इसको ढक के रख दीजिए, ठीक है, कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, ठीक है। एक दूसरे बाउल में आप प्याज ले लीजिए, जो जो भी सब्जियां थी उसको एक मिक्सिंग में डाल के मिक्स कर दीजिए, बाउल में डाल के मिक्स कर दीजिए सभी सब्जियों को, जो भी था, प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, धनिया, नमक और कुछ भी ऐड मत कीजिएगा अभी इस स्टेज पे। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मिक्स हो गए, चलिए अब हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये जो है रवा जो है वो रेडी हो चुका है, देखिए फॉर्म हो चुका है, देखिए इस स्टेज में, ठीक है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो आप उसमें और पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए ज़ीरा, मैंने इसलिए ऐड किया कि कभी वाई नहीं लगती ना, तो बच्चों ने खाना होता है तो वाई नहीं लगती, इसलिए आप डाल दीजिए तो बेटर होगा, नहीं डालना तो आपकी मर्जी है। नमक ऐड कर दीजिए इस स्टेज पे, उसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। कईयों को ज़ीरा डालना नहीं पसंद है तो वो आप पे डिपेंड है, टोटली इट्स अप टू यू कि आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए। अब एक पैन में हल्का सा 2 बूंद के जितना तेल डालिए, घी डालिए जो आपका मन है, बटर से भी बहुत टेस्टी यम बनता है एकदम, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बटर से बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। हमने इसको बनाना है छोटा, मिनी साइज उत्तपम, ठीक है, इंस्टेंट बनने वाला मिनी साइज उत्तपम, तो आपको इसको थोड़ा सा ही बैटर लेना है, मतलब एक करछी और 2 करछी, छोटी करछी है एक्चुअली मेरी, बस इसके ऊपर आपने जब उसमें डाल दिया करछी से तभी आप उसके ऊपर सब्जियां फैला के डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको ना थोड़ा हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए ताकि सब्जियां अंदर बैठ जाएं, जब हम उसको पलटें तो गिरे नहीं सब्जियां, बैठ जाएं अच्छी तरह से सब्जियां उस पे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर नमक डाल दीजिए, हाँ जी ऊपर से डालना है नमक, ऊपर नमक डाल दीजिए और काली मिर्च डाल दीजिए, आपको अगर लाल मिर्च डालनी है तो ऐड कर दीजिए, नहीं डालनी तो कोई बात नहीं, आप हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं अगर आपको खानी है, नहीं तो बच्चों के लिए बनाना है तो हरी मिर्च तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ऊपर से थोड़ा सा तेल डालिए, कुकिंग ऑयल डाल के आप इसको पलट दीजिएगा, आप नीचे से देखिएगा पक गया है, ये देखिए खुद ब खुद छूटने लग गया है, तो ये चिपकता नहीं है बिल्कुल भी, बस हल्के हाथों से उठाते हुए आप इसको पलट दीजिएगा, देखिए कितना अच्छा कलर आया, देखिए कितना अच्छी तरह से इवनली कुक हुआ है हर तरफ से, है ना, देखिए वहां से भी पक गया। अब हमने वो स्पैचुला की हेल्प से हमने सब्जियों को बिठाया था ना, तो देखिए सब्जियां चिपकी भी नहीं है पैन पे, है ना, एकदम से देखिए एकदम अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से आपको
देखिए इसी तरह से दूसरा वाला बनाना है। पैन में तेल लगा लीजिए, उसके बाद में वही बैटर करछी की मदद से उस पर डाल दीजिए। दो करछी डाल दीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये मेरी, तो आपको मिनी बनाना है, छोटा बनाना है तो आप थोड़ा थोड़ा डालिएगा। उसके बाद में सब्जियां जो आपके पास थी वही उसको फैलाते हुए डाल दीजिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह सब्जियां डालिए उस पर फैला के अच्छी तरह से, और उसी तरह से आपको स्पैटुला से उसको हल्का हल्का हल्के हाथों से, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, हल्के हाथों से बिल्कुल प्यार से अपने हल्के, देखे मैंने स्पैटुला दिखाया उसमें चिपका नहीं है, यानी बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है उसको, सब्जियां बैठ जाए। फिर नमक और काली मिर्च लगा दीजिए ऊपर से, बस थोड़ा तेल लगाते हुए, ताकि वो जब हम पलटेंगे तो वो चिपक चिपक ना जाए नीचे, है ना। अब ये नीचे से बिल्कुल पक चुका है, वो पता चल रहा है, देखो कॉर्नर से है ना, वो पता लग रहा है हमें। तो आपको क्या करना है इस स्टेज पे, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे से, तो आपको बस पलट देना हल्के हाथों से, ये देखिए बस ये अब यहाँ से हो चुका है। अब उसको पीछे की तरफ से हल्का सा और सेक लीजिए, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, मिनी इंस्टेंट बनने वाला, सुबह के नाश्ते में झटपट से बनाइए और खा डालिए चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाय के साथ। देखिए झटपट से बनने वाला रवा, और हेल्दी भी है, ज्यादा तेल नहीं यूज हुआ, कुछ भी नहीं यूज हुआ। प्लीज एंजॉय, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।